नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। आपके साथ मैं हूं नितिशा। उत्तराखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है। राज्य में बीते कई दिनों से बारिश की वजह से मौसम ने भी करवट ले ली है। इसी के चलते पर्यटक पहाड़ियों का रुख कर रहे हैं। इस बीच श्रीनगर से महज 23 किलोमीटर दूर बसा खिरसू पर्यटकों को खासा पसंद आ रहा है। यहाँ देवदार और बुरांस के पेड़ पहाड़ों की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियाँ पर्यटकों का मन मोह रही हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मुंबई और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक पहुँच रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि यह मौसम उन्हें काफी पसंद आ रहा है। अगर सरकार यहाँ संसाधनों को जुटाए तो ये उत्तराखंड का बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। दिल्ली से आया हूँ मैं और हम लोग यहाँ पे 6 लोग आए हैं घूमने के लिए। और मतलब जगह तो बहुत सुंदर है, नैनीताल भी गए हम, बट यहाँ पे शांति और पीस बहुत अच्छा है। और बल्कि सरकार को यहाँ पे टूरिज्म बढ़ाना चाहिए। और यहाँ का वेदर वहाँ के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। अंदाजन वहाँ पे 30 डिग्री टेम्परेचर था और यहाँ 22 डिग्री टेम्परेचर है, तो यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत ही शांत एनवायरनमेंट है यहाँ का और बच्चों ने थोड़ी शांति फैला रखी है। इट्स अ गुड आउटिंग जो आसपास वाले लोग हैं उनके लिए। प्रदेश की इन खूबसूरत वादियों, ऊंचे पहाड़ों और नदियों का जो भी दीदार करता है वो बिना तारीफ किए नहीं रह पाता है। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड प्रकृति की इन्हीं खास धरोहरों के साथ देश विदेश में अपनी पहचान एक पर्यटन प्रदेश के रूप में बना चुका है। और फिर सुबह आए हुए हैं हम, कल शाम को पहुंचे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वेदर लगा और बहुत अच्छा है।